बॉलीवुड डीवा रेखा की पर्सनल लाइफ को लेकर कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में खुद रेखा ने कभी भी पब्लिकली आकर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दबी जबा में इंडस्ट्री में हमेशा से ये बातें हुई हैं। बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं रेखा के रिलेशनशिप्स को लेकर। इसमें से एक रिलेशनशिप रेखा का था विनोद मेहरा के साथ, जिसके बारे में कई जगह कहा गया है कि किस तरह से रेखा ने विनोद मेहरा के साथ रातों रात शादी की थी जुहू के एक मंदिर में, और विनोद मेहरा की मॉम ने रेखा को एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि रेखा और विनोद मेहरा ने कभी भी ऑन रिकॉर्ड आकर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन अब इन दोनों के एक बहुत ही करीबी शख्स ने इनके रिश्ते पर खुलासा किया है, इनकी शादी पर डिटेल में बात की है। ये शख्स विनोद मेहरा की बेटी खुद सोनिया है। इन दिनों सोनिया काफी चर्चाओं में हैं। सोनिया जिन्होंने बॉलीवुड में कुछ समय तक काम किया, जिसके बाद वो बाहर शिफ्ट हो गई, योगा करती हैं, और हाल ही में उन्होंने कुणाल नाम के एक शख्स से एंगेजमेंट कर ली है। उन्होंने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए अपने पिता के रेखा के साथ के रिश्ते के बारे में डिटेल में खुलकर बात की है। सोनिया ने बताया कि वो बचपन में अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर जाती थी, और ऐसी ही फिल्मी गैदरिंग्स में वो कम से कम 3 से 4 बार रेखा से मिल चुकी है। रेखा उन्हें काफी पसंद आती है, रेखा बेहद खूबसूरत है और दिलचस्प है। इसके बाद सोनिया से वो सवाल पूछा गया जिस सवाल की सच्चाई हर कोई जानना चाहता है। इनफैक्ट किताबों में लिखा गया है कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की थी। यही सवाल जब सोनिया से पूछा गया कि क्या आपको पता है आपके पिता ने रेखा से शादी की थी, क्या सच्चाई है इस बात की, तो इस पर सोनिया कहती है, ये सब मेरे पैदा होने से पहले हुआ था, ये मेरे पिता की पर्सनल लाइफ है, मुझे इस पर कमेंट करने का कोई हक नहीं, ये उनकी पर्सनल लाइफ थी। और जहां तक मुझे पता है तो रेखा और विनोद मेहरा काफ़ी गहरे और करीबी दोस्त थे। आपको बता दें कि सोनिया जब 1.5 साल की थी तभी विनोद मेहरा साहब गुजर गए थे। इसके बाद सोनिया से पूछा गया कि ठीक है आप छोटी थी, लेकिन क्या कभी आपने अपनी मॉम से ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके पिता ने क्या पहले रेखा से शादी की थी, तो इस पर सोनिया कहती है कि हर किसी का पास्ट होता है, हर किसी की अपनी जर्नी होती है, ये मेरे पूछने की या मेरे जज करने की जगह नहीं है, अगर वाकई में कुछ ज़रूरी होता तो मुझे ज़रूर बताया जाता। इसके अलावा सोनिया कहती है कि मुझे पर्सनली ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे पिता ने रेखा से शादी की थी। आपको बता दें कि सोनिया इस वक्त दुबई में है, उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया है, वो रागिनी MMS और एक में एक टू जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। पहली बार है जब विनोद मेहरा की फैमिली की तरफ से किसी ने रेखा और विनोद मेहरा के रिश्ते पर खुलकर बात की है। इससे पहले यासिर उस्मान की किताब में रेखा की विनोद मेहरा के बारे में शादी की पूरी डिटेल्स छापी गई थी। हालांकि यासिर उस्मान ने कहा था कि इस किताब को बनाने के दौरान मैंने रेखा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन रेखा ने मिलने से ही मना कर दिया।